एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देना। आप तो उस पर्सन का लेजर बनाना और एलआईसी में आप डाल देना उनका मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर। अंडर में आप इसको डाल देना लोन एंड एडवांस असेट में, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर आप एचडीएफसी से बेच जाना। एचडीएफसी का यूज़ आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टेली पे नहीं आ जाते। अब आप लोन दे रहे हैं आप इसमें वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए आप प्रेस करते हैं वी। अपन बैंक में बात कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं मतलब बैंक से कैश जा रहा है, तो आप एंट्री करना F5 से पेमेंट वाउचर में। आपको यहाँ पे शॉर्टकट की वो शो करवा देगा, बता रहे हैं आप F6 से रिसिप्ट वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर। आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब आप लोन दे रहे हैं और अकाउंटिंग का रूल है पाने वाले को बाय करते हैं देने वाले को टू करते हैं, बैंक में यही रूल चलता है। तो जब आप लोन दे रहे हैं तो वो पर्सन पाने वाला है जिसको आप दे रहे हैं और अपन देने वाले हैं, तो बाय में आप लिखना उस पर्सन का नाम, श्याम्स लोन अकाउंट। कितना लोन दे रहे थे आपने? 5 लाख रुपये। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना 5 लाख, एंटर करना। टू में आप लिखेंगे कैश, अपन देने वाले अपने पास से कैश जा रहा है, तो टू में आप लिखेंगे कैश। बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम और टू में कैश। फिर आप एंटर करते हैं। अब आप यहाँ नरेशन में पूरी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। पहले आप यहाँ पे लिखना बी लोन अमाउंट, आपने इन्हें लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपए। फिर आप इसमें लिखना इंटरेस्ट 10%, आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10%। लोन ईयर कितना है इनका यहाँ पे? 3 साल। आप यहाँ पे इतना टाइप कर देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखना टोटल इंटरेस्ट, अब 10% है इससे आपको समझ में आ जाएगा, इस साल में 10% चार्ज हो रहा है। फिर अब इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना था वो आप यहाँ से देख के इसमें उतार देंगे। इस साल का था 50,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 1,50,000। आप यहाँ पे टाइप करना 1,50,000। फिर आपने यहाँ पे ही लिख के अभी आपको टोटल अमाउंट कितना देंगे, आप यहाँ पे लिखना लोन प्लस इंटरेस्ट 6,50,000। यही निकला था आपका यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे निकाला था लोन प्लस इंटरेस्ट यही अमाउंट था। उससे अब आप लिखेंगे ये आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखना पर ईयर इंस्टॉलमेंट 6 और टोटल इंस्टॉलमेंट 18। फिर आप यहाँ टाइप करना पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट 36,111 था, आपने यहाँ पे निकाला था ये अमाउंट, तो एक इंस्टॉलमेंट से अमाउंट आ रहा था 36,111। ये आप यहाँ पे पूरा नरेशन में टाइप कर देते हैं, क्योंकि बैंक किसी एक पर्सन को लोन नहीं देते, सबको लोन मतलब जो पर्सन लोन लेने आता है उन्हें बैंक लोन देती है। तो आप यहाँ नरेशन में पूरा टाइप कर देते हैं जिससे याद रहे कि आपने किस पर्सन को कितने पर्सन इंटरेस्ट से और कितने टाइम के लिए लोन दिया है। फिर आप इसे एंटर करके यहाँ पे सेव कर दें, क्लियर है। अब आपने इन्हें लोन दे दिया 5 लाख रुपये। अभी आपने एंट्री कितने से की थी? 5 लाख रुपये से। अब आपने इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ 1,50,000। क्या इंटरेस्ट का अमाउंट आपको अलग से मिल रहा? नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट का अमाउंट तो आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट के साथ। जबकि अभी श्याम के सामने आपने अमाउंट कितना लिखा था? 5 लाख रुपये। श्याम आपको जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा 18 इंस्टॉलमेंट में वो आपको अमाउंट पे करेगा 6,50,000। 1,50,000 इंटरेस्ट है, तो वो आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं देगा। उसकी आप वाउचर एंट्री करते हैं F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि इसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा। ऐसी एंट्री जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता वो एंट्री आप करते हैं जनरल वाउचर में। अब इंटरेस्ट आपको अलग से नहीं मिलता इसलिए उसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन आप इंटरेस्ट तो चार्ज कर रहे हैं, उसकी एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में। अब इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या होता? इनकम होती, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बैंक के लिए इनकम है, और इनकम का नाम हमेशा टू में आता है, तो बाय में आप लिखना उस पर्सन का नाम जो आपको इंटरेस्ट देगा। हाँ, बाय में आप लिखना श्याम्स लोन अकाउंट। अभी आपको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 1,50,000। जो टोटल इंटरेस्ट आपने निकाला था वो अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर देना 1,50,000, एंटर करेंगे। अब टू में आप लिखेंगे इंटरेस्ट, क्या मिल रहा है अपन को? इंटरेस्ट मिलेगा। टू में आप लिखेंगे इंटरेस्ट, अल्टर प्लस सी से इंटरेस्ट का लेजर बना लेंगे, और इंटरेस्ट तो आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में।
क्योंकि बैंक की इनकम इंटरेस्ट ही रहता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक के लिए इनकम होती है और ये बैंक के लिए डायरेक्ट इनकम होती है। तो आप इसको अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव। इंटरेस्ट की एंट्री आप करना जनरल वाउचर में, बाय में पर्सन का नाम और टू में इंटरेस्ट, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आपने दो एंट्री कर ली, उन्हें लोन दे दिया, उस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब क्या होगा, अब आपको हर 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो उसकी आप जब वाउचर एंट्री करेंगे वो आप करेंगे F60 रिसीव वाउचर, क्योंकि अब बैंक के पास कैश आएगा, लोन दे दिया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब बैंक को कैश मिलेगा। तो आप इसकी एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर में। जब आप लोन दे रहे थे तब वो पर्सन कौन था, पाने वाला, और बैंक थी देने वाली। अब जब इंस्टॉलमेंट मिलेगी अपोजिट हो जाएगा, अब बैंक कौन है, पाने वाले, और वो पर्सन देने वाला। तो 2 में आप लिखना उस पर्सन का नाम, श्याम्स लोन अकाउंट। ये आपको एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हैं, 36,111। ये अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे 36,111। और बाय में आप लिखना कैश, क्योंकि बैंक के पास कैश आ रहा है। 2 में आप लिखना उस पर्सन का नाम और बाय में कैश। अभी अपन ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की एंट्री की, ये आपको टोटल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 18। हर 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट देंगे। जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने आएंगे आप पैसे ही एंटर करेंगे रिसीव वाउचर में, 2 में पर्सन का नाम, बाय में कैश, और एंटर करके आप इसे सेव कर देना। अभी देखिए, पहले अमाउंट था 6,50,000, अब यहाँ पे कम होंगे क्योंकि उन्होंने 36,111 पे कर दी। आप एंटर करके इसको सेव कर देना। जैसे ही 18 इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगे, श्याम का अमाउंट 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा अमाउंट वो पे कर देंगे। कितने बचेंगे ले लेना आप, उससे 2 रुपये भी ले लेना। अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।